हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी किचन हैक्स लेके आई हूँ जिससे आपका पैसा और समय दोनों बचने वाले हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपका एक लाइक एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। आप यदि लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। तो आज की आप पहली टिप्स है कुकर के ढक्कन को लेकर। दोस्तों, ये कुकर का ढक्कन जब भी हम खिचड़ी बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो इनमें हल्दी का पीलापन रह जाता है, ये अच्छे से साफ नहीं होते हैं। तो बस छोटी सी टिप्स है और आज हम अपने कुकर का ढक्कन चमकाने वाले हैं। हम ले लेंगे कोई भी आपके घर में पेस्ट हो वो ले लें। मैंने कोलगेट ले लिया है, तो कोलगेट का थोड़ा सा पेस्ट ले लेंगे और पूरे ढक्कन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जहाँ हमें हल्दी के दाग ज़्यादा दिखाई देते हैं वहाँ ज़्यादा लगा देंगे, वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, इसमें पानी डालकर भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ आपको हल्दी के दाग लगे वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर दीजिए। अच्छे से हमें लगा लेना है और फिर ले लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो हम खाने में यूज करते हैं ना वो सोडा ले लेंगे और पूरे ढक्कन के ऊपर फैला लेंगे। और जो छिलका होता है नींबू का वो ले लेंगे और इसे इस पर हल्का हल्का रब कर देंगे। तो इस तरह से हमें पूरे कुकर को रगड़ लेना है अच्छे से। जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा पीलापन दिखाई दे वहाँ वहाँ आप रगड़ लें, इससे आपका कुकर का ढक्कन बिल्कुल चमक जाएगा फ्रेंड्स। आगे से भी और पीछे से भी हमें अच्छे से इसको रगड़ लेना है। तो देखिए, इस तरह से आप भी अपने कुकर का ढक्कन को इस तरह रगड़ लें जिससे आपका कुकर का ढक्कन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और फिर हमें ले लेना है स्क्रबर। स्क्रबर से थोड़ा इसको रगड़ देंगे ताकि ये अच्छे से बचा कुचा जो भी इसमें कोलगेट लगा है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो आपको इसे अच्छी तरह से इसी तरह रगड़ लेना है। कुकर का ढक्कन हम ऐसे ही साफ़ कर देते हैं लेकिन इसका पीलापन नहीं छूटता है। फिर हम स्क्रबर ले लेंगे, स्क्रबर से थोड़ा और रगड़ देंगे, इससे आपका बिल्कुल ही कुकर साफ हो जाएगा। कुकर भी आप इसी तरह साफ़ कर सकते हैं और इसका ढक्कन भी देखिए बिल्कुल क्लीन निकल आया है हमारा कुकर का ढक्कन। तो आप भी ये टिप्स ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगली टिप्स है हमारी आटे को लेकर फ्रेंड्स। कई महिलाओं को आदत होती है बहुत ज़्यादा रिंग पहनने की, और जब हम आटा लगाते हैं या फिर बर्तन साफ़ करते हैं तो रिंग को इधर उधर निकाल कर रख देते हैं, जिससे हमारे गोल्ड की रिंग गुम होने का डर रहता है। किचन के काम तो हमें करने ही होते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इससे हमारा समय और पैसा दोनों बच सकते हैं। तो हमें गोल्ड की रिंग को इधर उधर नहीं रखना है। उसके लिए हमें कोई भी आपके पास बेकार पर्स पड़े होते हैं ना, जिनकी चेन ख़राब हो जाती है या फिर हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो हम उनका यूज करने वाले हैं। तो हमें ऐसे पर्स ले लेने हैं और इनको ले लेना है डबल टेप। इसको कट करके हमें किचन में इसे हैंग कर देना है। तो हमें थोड़ा सा डबल टेप कट कर लेंगे और इसे किचन में किसी भी टाइल पर हैंग कर दीजिए, चिपका दीजिए, और इसके ऊपर हम चिपका देंगे ये पर्स। जब भी आप काम करें, आप आटा लगाएं या फिर बर्तन साफ़ करें, आप इसके अंदर रिंग अपनी डाल सकते हैं, जिससे आपकी रिंग इधर उधर नहीं गुम होगी और आप बाद में याद आए तब पहन सकते हैं, इधर से कहीं नहीं जाने वाली है। आई होप आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। अगली टिप्स हमारी तुलसी के पौधे को ले। जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो इनके पत्ते झड़ने लगते हैं और तुलसी माता सूखने लगती है, तो आपकी तुलसी भी हरी भरी रहेगी आप थोड़ा सा टिप्स को फॉलो करेंगे तो। एक तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पौधा लग जाता है उसको उखाड़ दीजिए। जैसे ही घास लग गई है तो इसको निकाल दीजिए, इससे आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। और दूसरा, इसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो ज़्यादा पानी डालने से भी हमारा पौधा सूखने लगता है। और इसमें थोड़ा, हफ्ते में एक बार इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर छिड़क दें, जिससे इसमें कीड़े और मकोड़े नहीं लगेंगे। और हफ्ते में एक बार आप हल्दी पाउडर और बेकिंग सोडे का पानी मिक्स करके इनके पत्तों पर स्प्रे कर दें, जिससे इनमें कीड़े नहीं लगेंगे। और आप भी इस तरह से अपने इनकी केयर करेंगे ना तुलसी के पौधे की, तो आपका पौधा भी भरी सर्दी में हरा भरा रहेगा। तो देखिए, मेरा पौधा मैंने एक गमले में लगाया है और एक लगाया है मैंने टोपिए के अंदर। ये सिल्वर का टोपिया मेरा फूटा पड़ा था ना, इसलिए मैंने इसके अंदर लगा दिया। तो देखिए, मेरे दोनों पौधे कितने हरे भरे हैं। आप भी इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो
कीजिएगा। जब भी हमें कहीं जल्दी में जाना होता है, हम परात में आटा छानते हैं तो अच्छे से छन जाता है। जब थोड़ा आटा हमें लगाना हो और हम छलनी से छानते हैं तो इधर उधर बिखर जाता है। तो बस छोटी सी टिप्स को फॉलो करेंगे जिससे आपका आटा इधर उधर नहीं बिखरेगा। हमें गिलास में आटे को भर लेना है और थोड़ा थोड़ा घुमाकर उसे अच्छे से छान लेना है। इससे आपका आटा इधर उधर भी नहीं बिखरेगा और अच्छे से ये छन जाएगा। जब भी आपका जल्दी का काम हो तो इस तरह से फॉलो कीजिएगा। तो है ना कमाल की टिप्स, आपको पसंद आई होगी। आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये टिप्स भी पसंद आया होगा। अगली टिप्स हमारी बेकार पड़े डिब्बों की होती है। हमारे पास ये प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और हम इन्हें ऐसे ही घेर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप घेरें ना और इनका यूज करें। कोई भी छोटा सा पेचकस ले लीजिए और इसे गर्म करके इसके अंदर होल्स बना लीजिए। छोटे छोटे होल्स देखो, हमें इस तरह से इस पर बनाकर तैयार कर लेना है। आप इस तरह से पूरे में होल्स कर लेंगे तो ये हमारा बेकार पड़ा डिब्बा बहुत काम आने वाला है। जब भी हम किचन में इसका काम करते हैं तो बहुत यूज होता है। इससे आप चाहे बूंदीदाना कुछ भी बना ले या फिर कुछ भी कर ले, यूज होता है। या फिर हम किचन में हमारा जो कचरा होता है, जैसे चाय पत्ती होती है या फिर कोई बच्चे सब्जी छोड़ देते हैं, वो सिंक में ही डाल देते हैं। जब भी हम बर्तन साफ़ करते हैं तो वो सारा कचरा सिंक के अंदर चला जाता है, जिससे हमारी पाइपलाइन रुक जाती है। तो ये डिब्बे का हम यूज करेंगे ना, तो इसमें से जो भी कचरा होगा वो इस डिब्बे के अंदर रह जाएगा और पानी पानी निकल जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी सिंक की पाइपलाइन नहीं रुकेगी और हमारा सिंक अच्छे से साफ रहेगा। तो आई होप आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। तो ये काम की छोटी छोटी टिप्स होती है, बहुत काम की होती है। अगली टिप्स है हमारी कैसरोल को लेकर। जब भी हम कैसरोल के अंदर खाना रखते हैं, रोटियां बनाकर रखते हैं, तो रोटियां पसीज जाती हैं, कपड़ा गीला हो जाता है और देखिए इस तरह से हो जाता है, इसमें सीलापन आ जाता है, जिससे रोटियां खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये गीली गीली रोटी सी होती हैं तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी रोटियां भी गीली ना हो और हमारा कैसरोल भी गीला ना हो? तो इसके लिए हमें छोटा सा टिप्स है जो हमें यूज करना है। इसके लिए हमें ले लेना है न्यूज़पेपर और इसको चार फोल्ड करके इस तरह से लगा देंगे। ये लगाने से फिर इसके ऊपर जो रोटी में कपड़ा लगाते हैं वो कपड़ा लगा देंगे और फिर रोटियों को रख देंगे। इससे हमारी रोटियां बिल्कुल भी नहीं पसीजेंगी, जो भी सीलापन होगा वो जो न्यूज़पेपर लगाया है वो सोख लेगा। कई लोगों को न्यूज़पेपर पसंद ना हो तो आपके पास जो स्टैंड होता है ना, कुछ भी रखने का, दूध गर्म रखने वाला, वो इसके अंदर आप लगा सकते हैं। इस तरह का स्टैंड ले लीजिए या फिर इसके ऊपर रख देंगे ना तो भी आपकी रोटियां बिल्कुल भी नहीं सीलेंगी। तो आई होप आपको ये टिप्स भी पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर।